मैं विकास मंगल, पीएचडी स्कॉलर जीवीपीएटी पन्नगर से, कि आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे कि आप और हम सभी लोग मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। कि मेडिसिन बाबा के बारे में बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि तुम किसी भी एक चीज के बारे में सोचो, एक अच्छी चीज के बारे में एक अच्छा विचार लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में जियो और उसी को अपना स्वप्न बनाओ, फिर आप देखोगे कि वही स्वप्न आपकी जिंदगी को सक्सेसफुल के रास्ते में चेंज कर देगा। तो इस दुनिया में कोई भी नेगेटिव घटना घटित होती है तो उस घटना को कई मीडियाओं के द्वारा, कई लोगों के द्वारा कई तरीके से पेश किया जाता है। उन घटनाओं को लोग नेगेटिव रूप में, कुछ पॉजिटिव रूप में भी व्हाट्सएप मीडिया में शेयर करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो उन घटनाओं को अपने दिल से जोड़कर एक ऐसी कोशिश करते हैं कि ये घटना आगे किसी के साथ घटित नहीं हो। ऐसे ही एक नाम जो कि जिन्हें हम मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं, जिनका वास्तविकता में नाम है ओमकारनाथ शर्मा जी। जब उनके बारे में आप पढ़ोगे, या फिर मैंने जब उनके बारे में जानने की जितनी कोशिश की, ओमकारनाथ शर्मा जी जो कि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहते हैं, सन 1940 के समथिंग उनका जन्म हुआ था, कि वो दिल्ली में एक ब्लड बैंक में टेक्नीशियन थे। अपने रिटायरमेंट जब उनका हुआ, जनरली रिटायरमेंट के बाद लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपना घर बनाने की सोचते हैं, और लेकिन दुनिया में 0.001% लोग ऐसे सोचते हैं कि जो उन्होंने थ्रू आउट सर्विस गवर्नमेंट किया, थ्रू आउट जो उन्होंने नौकरी की, उसको आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए, कैसे सोशल, कैसे समाज को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया जाए। ऐसे एक मेडिसिन बाबा जो कि अपने रिटायरमेंट के बाद एक बार नोएडा से चल के उत्तम नगर अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो दिल्ली में लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, जो कि उस समय बना भी नहीं था, वहां पर मेट्रो स्टेशन के पास वो देखते हैं कि कहीं भीड़ इकट्ठी हो रखी है। अब वो उस भीड़ के पास जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मेट्रो स्टेशन के कुछ मेट्रो के कुछ पिलर जमीन पे गिर गए, जिसके कारण कि वो मेट्रो पुल ध्वस्त हो गया और वहां नीचे काम करने वाले और कुछ नीचे गरीब लोग जो उस मेट्रो पुल के नीचे रहते थे वहीं पर दबकर मर गए। जब वहां पर जो कि कुछ लोग जो कि केवल इंजर्ड हुए थे, जब प्राथमिक उपचार के लिए वो कुछ कॉलेज मेडिकल कॉलेज में गए या कुछ डॉक्टर्स के पास गए, तो कुछ दिनों तक तो डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि आप कुछ मेडिसिन लाइए, आगे हमारे पास मेडिसिन खत्म हो गई, आप मेडिसिन लाइए तब हम आपका इलाज कंटिन्यू करेंगे। जो लोग मेट्रो पुल के नीचे सोते थे वो लोग मेडिसिन कहां से लाएंगे, और उसके कुछ समय बाद वो लोग भी धीरे धीरे स्वर्ग सिधार गए। इस घटना को अपने दिल में धारण कर मेडिसिन बाबा जिन्हें ओमकारनाथ शर्मा जी भी कहते हैं, मेडिसिन बाबा जिन्होंने इन घटना को अपने दिल में धारण कर उन्होंने प्रण लिया कि ऐसी घटना मैं दोबारा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसे किसी भी गरीब आदमी को दवाइयों के कारण एटलीस्ट मैं उनको मरने नहीं दूंगा, क्योंकि लोगों के घरों पे इतनी दवाइयां होती हैं कि जिन्हें वो सही होने के बाद, रिकवर होने के बाद वो कूड़ादान में डाल देते हैं। तो मैं ऐसी दवाइयों को लोगों से कहूंगा कि इन्हें कूड़ादान में नहीं डाल करके हमें दान में दें। तो तभी से सन 2008 में जो घटना हुई थी, उस घटना को अपने दिल में धारण कर मेडिसिन बाबा जिन्हें आज हम सब जानते हैं, उन्होंने लोगों के घर घर जाकर, जैसे कि एक सब्जी वाला ठेला आता है जो बेचता है कि टमाटर ले लो, आलू ले लो, गाजर ले लो, इसी तरह मेडिसिन बाबा घरों के बार बार जाकर चिल्लाते थे कि जो भी दवाइयां आपके पास एक्सपायर रखी हो वो दवाइयां सारी मुझे दे दें, वो कूड़ेदान में नहीं डालें। फिर पूरे दिन भर में 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, जो ओमकारनाथ शर्मा जी ने बचपन में पहले ही वो किपर हो गए थे लेग से, वो 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलते हैं, लोगों से कुछ दवाइयां इकट्ठी करते हैं और उनमें से एक्सपायरी दवाइयों को फेंक देते हैं और बाकी दवाइयों को सेग्रीगेट करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो दवाइयां जब वो एक साथ इकट्ठी कर लेते हैं तो वो कुछ एनजीओज को, कुछ मेडिकल कॉलेजेस को, कुछ ऐसी संस्थाओं को दान कर देते हैं जहां पर कि लोग अपना फ्री इलाज कराने आते हैं। और इसके अलावा कि जो डॉक्टर जब किसी मरीज का इलाज करता है तो कई लोग उनके पास वो दवाई का पर्चा लेके आ जाते हैं कि मेडिसिन बाबा हमें दवाई चाहिए, चाहे वो दवाई 1 रुपए की हो, चाहे 1,000 की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 50,000 की हो, वो मेडिसिन बाबा उन दवाइयों को उन लोगों को फ्री दान करते हैं। ये कहानी मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा कि मुझे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ानी है, मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि इस देश में लाखों करोड़ों घटनाएं डेली में घटित होती हैं। उन घटनाओं को डेली हम एफबी पर शेयर कर करके हम अपनी देशभक्ति जाहिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप में से ऐसे कितने परसेंट लोग हैं कि जो उसी समय ये डिसाइड करते हैं कि ऐसी घटना एटलीस्ट मैं जिस एरिया में रहूंगा उस एरिया में ऐसी घटना होने नहीं दूंगा। फेसबुक पर गंदे गंदे कमेंट्स के थ्रू, गंदी गंदी चीजों के थ्रू आपस में लोग लड़ते रहते हैं, सरकारों को लोग गाली देते हैं, सरकारों के नाम पर वो लोग लड़ते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे लोग चाहिए ना जो केवल सरकार पे डिपेंडेंट नहीं होकर के कि खुद को भी एक सरकार माने और ऐसे लोगों के लिए कार्यरत करें। तो उसी में से थे एक मेडिसिन बाबा।
उसके बाद मेडिसन बाबा जो कि सन 2008 में जिन्होंने घटना से प्रेरित होकर काम शुरू किया था, सन 2009 में उन्होंने दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया, सन 2011-2012 में कई न्यूज चैनल्स ने उनको रिकॉग्नाइज किया और अल्टीमेटली सन 2015 में एक मेडिसन बाबा ने एक मेडिसन बाबा ट्रस्ट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसके बाद कई लोगों ने उनको कई फेलिसिटेट किया, रिकॉग्नाइज किया, जिससे कि उन्हें दिल्ली गौरव अवार्ड डॉक्टर हर्षवर्धन बिष्ट जी द्वारा दिया गया, सन्नी देओल के द्वारा उन्हें अवार्ड दिया गया, डॉक्टर नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा उन्हें अवार्ड दिया गया, एक आपके एमएलए के द्वारा भी उन्हें अवार्ड दिया गया, कई न्यूज पेपर्स में कई न्यूज चैनल्स में उनकी खबरें आई। और आज केवल इंडिया से नहीं, आज उन्होंने जगह जगह मेडिसिन ट्रस्ट बॉक्स दिल्ली में लगा रखे हैं जहां पर कि लोग उसमें दवाइयां डाल के जाते हैं और बाबा उनको कलेक्ट करते हैं। आज केवल इंडिया से नहीं बल्कि कम से कम 30 कंट्रियों से लोग उन्हें दवाइयां भेजते हैं, वो दवाइयों को इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाने का काम है। ये छोटी सी कहानी, ये सिर्फ कहानी आप लोगों के लिए इसलिए कि आप अपनी एकेडमिक्स की जो पढ़ाई है उन पढ़ाइयों से बियॉन्ड जाकर जो भी आपने पढ़ाई की है उसको अपने जीवन में उतारने का काम करें और लोगों के लिए एटलीस्ट कोशिश करें कि कुछ अपने जीवन का क्षण लोगों के लिए कंट्रीब्यूट की जाए। ये बाबा का सपना, बाबा का सिर्फ इतना सपना है कि एक मेडिसिन बैंक बनाया जाए जहां से कि लोगों को दवाइयां मिले। इस दुनिया में हमारे पास घरों में कई दवाइयां होती हैं, हम रिकवर सही होने के बाद ये फेंक देते हैं, तो बाबा का एक सपना कि वो दवाइयां एटलीस्ट जो लोग एक फ्री में एंटीबायोटिक एक पेनिसिलिन की गोली तक नहीं खरीद पाते उन लोगों तक वो दवाइयां कैसे पहुंची जाए। तो मैं आप लोगों से बस इतनी दरखास्त करूंगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यही कोई काम स्टार्ट करें, कोई भी एक ऐसा काम, चाहे प्लास्टिक्स के लिए, चाहे मेडिसिन्स के लिए, चाहे कचरा साफ करने के लिए, चाहे टॉयलेट बनाने के लिए, कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि आप अपने एरिया में रह के कर सकते हैं वो आप जरूर करें। केवल लोगों तक, केवल सरकारों पर उंगली उठाएंगे, केवल लोगों के कामों की वो करेंगे, केवल फेसबुक पर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उनकी फोटो शेयर करेंगे उनके बर्थडे के लिए, तब उनका स्वप्न पूरा नहीं होगा। ये अब्दुल कलाम, विवेकानंद जैसे कई सारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने कि इस देश को बनाने के लिए अपने खून की, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, खुद की कुर्बानी दी, उनको यदि रियली में आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा वर्क कीजिए जो कि इस देश के लिए फ्रूटफुल हो। इस दुनिया में बुराइयां तो बहुत हैं, यदि बुराइयों को लेकर चलोगे तो ये भी आपकी एक चॉइस है। इसलिए मैं अंत में बस एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है कि एक दीप जलाएं।